रोमन रिंग्स पियर्ड एज एंड अपोलो क्रूज अटैक्ड बिग ई अगेन, और भी काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि हुई है आज स्मैकडाउन में। तो गाइज मैं हूँ सुदीप और आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी न्यूज। चैनल पर नहीं हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज स्मैकडाउन की किक ऑफ करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज, और ये पर एज आते और बोलते वो अब कैलकुलेट कर रहे हैं उनका रेसलमेनिया का ओपोनेंट कौन होगा, और तभी उनको इंटरप्ट करते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स। और यहाँ पे रोमन रिंग्स एज को बोलते हैं, एज उनको ही चूज करे एट रेसलमेनिया क्योंकि वही है और द ओपोनेंट फॉर द एज। इसके बाद यहाँ पे सैमी जेन इंटरप्ट करते हैं सबको, और यहाँ पे सैमी जेन रेसलमेनिया को साइन को पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं कि ही इज गोइंग टू मेन इवेंट एट रेसलमेनिया एंड फेस एज। इसी टाइम पे उनको सुपर किक पड़ जाती है जे उसो की तरफ से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर रोमन रिंग्स एज के कान में कुछ बोलते और वहाँ से चले जाते। तो स्मैकडाउन की ओपनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलते हैं सिंस के नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज, और ये मैच भी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर सिंस के नाकामुरा हरा देती है अपोलो क्रूज को। लेकिन यहाँ पर मैच के एंड में यहाँ पर अपोलो अटैक कर देते फिर से एक बार नाकामुरा के ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पर आते हैं बिग ई, और फिर बिग ई अपोलो को बोलते हैं कि यहाँ पर काम डाउन करे हो और यहाँ से चले जाए। लेकिन अपोलो वापस से बिग ई के ऊपर ही अटैक कर देते वो भी स्टील स्टेप से, और यहाँ पर बोलते कि बिगी ना आए उनके रास्ते में। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सेट रॉलिंस यहाँ पर रिंग में आते हैं, और सेट रॉलिंस बोलते कि लास्ट वीक उनके फ्रेंड्स ही उनके ऊपर टांड हो गए, और सेट बोलते कि वो बहुत देर से यहाँ पर रिटर्निंग की प्लान कर रहे थे एंड यहाँ पे उनके लूजर्स जो भी थे बंच एंड फ्रेंड उनके वजह से ये पूरा मतलब बुरा हो गया ये सब। इसके बाद सेठ बोलते इन सब में से सबसे बिगेस्ट लूजर है सुजारो, और यहाँ पर सुजारो को बहुत ही बढ़िया इम्प्रेस करते हैं। और इसके बाद बोलते हैं सुजारो को ये डिसरिस्पेक्ट चाहिए था और सुजारो ये डिजर्व करते हैं, और ये बोलते बोलते सेठ रॉलिंस यहाँ से चले गए थे। तो अभी तक पता नहीं सेठ रॉलिंस से प्रोमो ही कर रहे हैं, तो लेट्स सी कब वो मैच में देखने को मिलते हैं हमें। इसके बाद एज हमें बैक स्टेज दिखते हैं, और यहाँ पर वो केविन ओवेंस को गुड लक विश करते हैं फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर मैच, और केविन ओवेंस को बोलते हैं कि इट वुड बी गुड इफ यू फेस हिम एट रेसलमेनिया। तो लेट्स सी क्या केविन ओवेंस जीत पाते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलते हैं नतालिया एंड तमीना वर्सेस रूबी राइट एंड लीव मॉर्गन, और ये मैच ठीक ठाक मैच था। लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर नतालिया एंड टेमिना ने हरा दिया रूबी राइट एंड लीव मॉर्गन को। लेकिन मैच के बाद यहाँ पर जब इन दोनों के साथ बिली के सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो नतालिया एंड टेमिना ने उनको ही यहाँ पर भगा दिया और अटैक कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलते बेली का डिंग डोंग सेगमेंट, और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट थे नाया जैक्स एंड साइना ब्लेजर। तो यहाँ पर इन सबको इंटरप्ट करते रेगिनल्ड साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर, और यहाँ पर रेगिनल्ड साशा बैंक्स को एंड बोल देते हैं कि बियांका ब्लेयर उनके साइड किक है। लेकिन बियांका ब्लेयर बोल देती है वो किसी के साइड किक नहीं है। तो यहाँ पर रेगिनल्ड यहाँ पर एक मैच प्रपोज करते हैं बिटवीन हिम एंड साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली नाया जैक्स एंड चाइना ब्लेजर। तो बहुत ही फनी मैच था, और हम एंड में देखने को मिलते हैं यहाँ पर साशा बैंक बियांका ब्लेयर एंड रेगिनल्ड की टीम हरा देती बेली नाया जैक्स एंड शाइना ब्लेजर की टीम को। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं सुजारो एंड एज, और यहाँ पे सुजारो एज को बोलते हैं कि उनको लगा था सेठ रॉलिंस अब थोड़ा चेंज हो जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम वो जब थे तो थोड़ा स्मार्ट एंड एसओ भी थे, लेकिन इस टाइम वो वापस से वही गंदा सेठ रॉलिंस ही है। और यहाँ पर एज सुजारो को बेस्ट ऑफ लक विश करते फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर मैच, और यहाँ पर सुजारो एज के बोलते हैं ही विल सी हिम इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, और वही बनेंगे यूनिवर्सल चैंपियन दिस संडे। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है रे मिस्टेरियो एंड डोमिनिक वर्सेस अल्फा एकेडमी, मतलब यहाँ पे ओटिस एंड जेड गेबल। तो यहाँ पर जब ये मैच चल रहा होता है बहुत ही अच्छा मैच था, अच्छा पेस पे चल रहा होता है, बैक एंड फोर्थ हुआ, और पर एंड में हमें देखने को मिलता है कि द मिस्टेरियस यहाँ पर हरा देती है अल्फा एकेडमी को बाय डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन मैच के बाद हमें देखने को मिलते हैं ओटिस टर्न्स हील, यानी पर रे मिस्टेरियो को ब्रूटली अटैक करते OMG मैं कभी सरप्राइज हुआ। लेट्स सी क्या हील टर्न से ओटिस को कोई फायदा होता है कि नहीं।
इसके बाद बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं एज एंड डेनियल ब्रायन बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर डेनियल ब्रायन एज को बोलते हैं दैट अ मैच बिटवीन देम इज लॉन्ग ओवर ड्यू और यहाँ पर डेनियल ब्रायन बोलते हैं अगर वो चैंपियन बन के वर्कआउट करते एट एलिमिनेशन चेम्बर देन वो एज को चाहते कि उनका अपोनेंट बने एट रसलमेनिया। तो लेट्स सी क्या डेनियल ब्रायन बन पाते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन। इसके बाद हमें न्यूज मिलता है कि नाया जैक्सन शाइना ब्लेजर अपना वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे इन द एलिमिनेशन चैम्बर अगेंस्ट साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर। तो लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से एक बार जो बेली एंड साशा बैंक्स की रेन थी उस तरह से यहाँ पर बियांका ब्लेयर के ऊपर भी क्या स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस डाल देती है कि नहीं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो की मेन इवेंट जो कि था डेनियल ब्रायन केविन ओवेंस एंड सुजारो वर्सेस सैमी ज़ेन जे उशो एंड किंग कॉर्बिन। तो मैच काफ़ी अच्छे पेस पे स्टार्ट हुआ दोनों ही तरफ से बैक एंड फोर्थ देखने को मिले काफ़ी क्लोज किकआउट्स भी हमें देखने को मिले काफ़ी हाई फ्लाइंग मूव्स भी हमें इस मैच में देखने को मिल रहे थे यहाँ पर डेनियल ब्रायन एंड जे उशो की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर डेनियल ब्रायन एंड ओवेंस एंड सुजारो की टीम जीत जाती है और हरा देती है हील टीम को और यहाँ पर मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है सभी फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एज आते हैं और बस देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल चीफ एंड में आते हैं और यहाँ पर स्पीयर लगा देते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज को। OMG मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था क्योंकि यहाँ पर एज को फिजिकली इन्वॉल्व कर दिया गया। तो इस तरीके से आज की स्मैकडाउन की एंड हो जाती है। तो मेरी माने तो आज की स्मैकडाउन बहुत ही बढ़िया थी काफ़ी एंटरटेनिंग शो थी क्योंकि गो होम शो था एलिमिनेशन चैम्बर से पहले। तो लेट्स सी आगे कैसे देखने को मिलता है हमें स्मैकडाउन की प्रोग्रेस। तो गाइस यही थी आज की स्मैकडाउन की हाइलाइट्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।